नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंदी चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लाइफ सर्टिफिकेट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर। तो जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर आपको कैसे मिलेगा और कैसे जो है उसको लैपटॉप में आपको इंस्टॉल करना है, पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं इसका प्रोसेस आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी के किसी भी ब्राउजर में जीवन प्रमाण सर्च करने के बाद आप जो है पहली ही वेबसाइट jeevanpraman.gov.in पे आ जाएंगे। jeevanpraman.gov.in पे आने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन पे आना है। डाउनलोड की ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोस्तों, उसके बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालना होगा। ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आप आई एग्री डाउनलोड पे क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया और अब इसको कर रहा हूँ मैं आई एग्री। आई एग्री के बाद आपकी मेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इनके साथ यहाँ पे शेयर कर दें। चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से अपनी ईमेल और ईमेल से यहाँ पे डाल देते हैं ओटीपी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया ओटीपी। ओटीपी के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा सबमिट। सबमिट के बाद आपको विंडो के लिए डाउनलोड फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आपको दोस्तों आरडी सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होती है जो आपके डिवाइस में चाहिए होती है, यानी जो आप डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करोगे आप यहां से उसकी आरडी सर्विस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप जीवन प्रमाण का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम डाउनलोड फॉर विंडो के लिए डाउनलोड कर रहे हैं और यहां पे आप एंड्रॉयड ऐप के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी विंडो के लिए डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड लिंक जो है वो ईमेल में सेंड कर दिया जाता है। तो आप अपनी ईमेल को ओपन करेंगे। ईमेल को ओपन करने के बाद आपको यहां ईमेल में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। चलिए हम जल्दी से दिखा देते हैं कहां पे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगा और कैसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैंने अपनी मेल आईडी लॉगिन कर ली। आप भी वो मेल आईडी लॉगिन कर लें जो मेल आईडी आपने जीवन प्रमाण के वेबसाइट पे डाउनलोडिंग के लिए दी थी और जो ओटीपी आपने यहां पे डाला था। तो आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर ही एक डाउनलोड लिंक की मेल है। आप इस डाउनलोड लिंक की मेल पे क्लिक कर दें। मेल पे लिंक करने के बाद आप आ रहा है कि ये जो लिंक है इसको आप एड्रेस बार में भी कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे जीवन प्रमाण इंस्टॉलर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे जो है डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, ये एक जिप फाइल में होती है, तो आपके पास जिप व्यूअर होना जरूरी है। यानी अगर आपके पास जिप व्यूअर नहीं है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके जिप व्यूअर सर्च करके वीडियो देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ताकि आप वहां से जिप व्यूअर का वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम इसको करते हैं अनजिप। तो आप ओपन भी कर सकते हैं या 7-Zip से ओपन एक्सट्रैक्ट टू जीवन प्रमाण इंस्टॉलर में फाइल को। तो आपका फोल्डर यहां पे अनजिप होके एक नया फोल्डर बन जाता है। फोल्डर के बाद आप यहां पे देख रहे होंगे जीवन प्रमाण इंस्टॉलर 3.6 लाइव। तो चलिए दोस्तों, 3.6 लाइव पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के लिए हो जाएगा स्टार्ट। तो आप यस कर दें। यस करने के बाद आप देख रहे होंगे जीवन प्रमाण इंस्टॉलर। तो आपको सिंपली यहाँ पे भी नेक्स्ट डू यू हैव मॉर्फो, यस कर देना। मॉर्फो डिवाइस है आपके पास तो आप इस पे जो है क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इस पे नेक्स्ट कर दें। अगर दोस्तों आपको मॉर्फो की ड्राइवर भी इंस्टॉल करना नहीं आती है तो उसकी भी वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से मॉर्फो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, क्योंकि बिना मॉर्फो के ये सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो चलिए अब रन जीवन प्रमाण पे क्लिक कर देते हैं और इसको कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपका सॉफ्टवेयर जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे आपके सामने जो है जीवन प्रमाण का जो विंडो वर्जन है, यानी जो लैपटॉप और पीसी में आप यूज कर सकते हैं वो आपके सामने ओपन हो गया है। तो इसमें सिंपली आपको मॉर्फो की डिवाइस होनी चाहिए और मॉर्फो के ड्राइवर आपके
कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप भी इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको डालना होगा ऑपरेटर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर देना होगा। दोस्तों ऑपरेटर की ऑथेंटिकेशन वन टाइम प्रोसेस है, तो आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है पेंशनर की ऑथेंटिकेशन मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आ गया ओटीपी, मैंने डाल दिया इसमें ओटीपी अपनी डिटेल्स डालने के बाद। उसके बाद आपसे ये आधार ऑथेंटिकेशन पूछेगा, तो आप ऑपरेटर नाम यहाँ पे डाल दें जो भी आपका आधार कार्ड में नाम है। उसके बाद आई एग्री और स्कैन फिंगर पे क्लिक कर दें। चलिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको स्कैन फिंगर के लिए टिक करके क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको एक साउंड आई होगी, साउंड इसका आया कि ऑथेंटिकेशन आपकी हो गई है सक्सेसफुल। तो आप इसको सिंपली ओके कर दें। ये वन टाइम प्रोसेस है दोस्तों, ऑपरेटर की यहाँ पे वन टाइम ही आपको ऑथेंटिकेशन करनी है। उसके बाद आप द्वारा जो है सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, अभी सिंपली इसमें पेंशनर की ऑथेंटिकेशन के लिए ही आपको पूछेगा। ऑपरेटर की ऑथेंटिकेशन ओनली वन टाइम ही होगी। तो दोस्तों उसके बाद की प्रोसेस रहेगी आपकी पेंशनर ऑथेंटिकेशन एंड सर्टिफिकेशन जनरेशन की। तो उसके लिए आपको कस्टमर का आधार नंबर या वर्चुअल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर जो एक्टिव होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी के लिए क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के लिए क्लिक करेंगे, तो जो पेंशनर होगा जिसका आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, उसके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। आप यहाँ पे मोबाइल ओटीपी एंटर करके आप इसको यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगी दोस्तों, पेंशनर नेम, टाइप ऑफ पेंशन, सेंसनिंग अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी और पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर पेंशनर का। तो आप ये सारी डिटेल्स इसमें भर लें। अगर यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशन करेंगे तो उसमें ऑप्शन खुल के आती है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यस करना है। यस करने के बाद आप स्कैन फिंगर पे क्लिक कर दें और यहाँ पे पेंशनर की फिंगर को आपने स्कैन करना है अपने डिवाइस पे। तो दोस्तों जैसे ही पेंशनर की फिंगर को आप स्कैन कर लेंगे, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट, यहाँ पे पेंशनर की फोटो जो आधार कार्ड में होगी वो फोटो यहाँ पे आ जाती है दोस्तों। और थैंक्स फॉर सबमिटिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी ये मैसेज आपके पास आना चाहिए। अगर कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता तो आप द्वारा ये प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे पेंशनर के लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट दे देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।